गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंजीनियर्स पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास इन इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन टू माई स्टूडेंट्स कि वाई इज इंग्लिश टॉट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। भाई ये कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है? इट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही कंपल्सरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Do you know what is the importance of English language? Why it is compulsory for us? Because अब देखो आपको बताते हैं कि इसको क्यों पढ़ाया जाता है, ये compulsory हमारे लिए क्यों है, इसे सीखना जरूरी क्यों है। Compulsory का meaning होता है जरूरी, और mostly student इसे बहुत कम पढ़ते हैं, और यही कारण है कि एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने के बावजूद भी मोस्टली स्टूडेंट इसमें वीक रहते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है। देखो इन आर इंडिया देयर आर ओनली 4 or 5 स्टेट्स वेयर हिंदी इज स्पोकन एज ए मदर टंग। हिंदी को मदर टंग के रूप में केवल 4 or 5 स्टेट्स में ही बोला जाता है। इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद द पीपल हु आर लिविंग इन आंध्र प्रदेश, इन केरला, इन तमिलनाडु, इवन इन गुजरात। अब गुजरात गुजराती में बोलेगा, आप हिंदी बोलोगे ना तो उसके हिंदी समझ में आएगी ना आपके गुजराती समझ में आएगी, कन्नड़ बोलने लग जाए। तो इट इज ए सुइटेबल वे, इंग्लिश इज ए सुइटेबल वे टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट थिंग, इट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज स्पोकन इन ए नंबर ऑफ कंट्रीज। इट इज स्पोकन बाय 1600 मिलियन पीपल, यानी 160 करोड़ लोगों के द्वारा इस लैंग्वेज को बोला जाता है। इफ यू वॉन्ट टू गेट जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी, वेदर इट इज इन आर ओन नेशन और इन अब्रॉड, तो इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू लर्न इंग्लिश to get good command over English so that you can exchange your feelings, your emotions and you can communicate with the people। multinational company है तो वहाँ पर multinational people भी आपको मिलेंगे, वहाँ worker होंगे एक country के नहीं अनेक countries के। it is a business language। अब business करने जा रहे हैं, deal करने जा रहे हैं दूसरे state के लोगों के साथ में या फिर विदेश में, तो ये बहुत ही जरूरी है। देखो बहुत सारे इंडियंस विदेशों में सर्विस कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी हाई पोस्ट को ऑक्यूपाई किया है, लेकिन चाइनीज नहीं करते। चाइनीज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ पर उनको कंप्लीट जो एजुकेशन दी जाती है वो चाइनीज में चियांग यंग यंग करते रहते हैं। अब चिंग विंग आकर वो इंडिया में ही करेंगे, कितने लोग जानते हैं चाइनीज? बहुत कम। किसी भी दूसरे देश में चले जाएं वहाँ भी बहुत कम, लेकिन इंडिया में इंग्लिश को पढ़ाया जाता है और बहुत सारे लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। यही कारण है कि पावरफुल पोस्ट को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंडियंस। चाहे ये अंग्रेज़ों की मदर टंग है, लेकिन हमारे बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं दे हैव
कंप्लीट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं। और मोस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी फाइंड इन सच बुक विच आर रिटन ओनली इन इंग्लिश। वो ट्रांसलेट कोई मेथड नहीं है। अधिकांश जो साइंस टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है या फिर जो फॉरेन थिंकर्स की नॉलेज है वो हमें इंग्लिश में पब्लिश की गई, इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश की गई बुक में ही मिलेगी। ट्रांसलेशन कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रांसलेट उसे एज इट इज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि लैंग्वेज में अंतर होता है। इट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द मैटर, और सबसे इजी लैंग्वेज है, तो हमें इसे क्यों ना सीख लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट है या फिर लैंग्वेज है, क्या है? इज इंग्लिश अ सब्जेक्ट और अ लैंग्वेज? अरे इंग्लिश सब्जेक्ट भी है और लैंग्वेज भी है। अब सब्जेक्ट के रूप में आपको एक एकेडमिक क्लासेस में पढ़ाया जाता है, फ्रॉम प्राइमरी क्लासेस स्टूडेंट स्टार्ट टू लर्न इंग्लिश। इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी लेवल, वेरी फ्यू स्टूडेंट बिकम एक्सपर्ट इन इट। व्हाई? क्योंकि जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, भाई प्राइमरी से पढ़ाया जा रहा है, आगे की क्लासेस में भी पढ़ा, वो मैथ में भी एक्सपर्ट हो गया, साइंस में भी एक्सपर्ट हो गया, इंग्लिश में नहीं हुआ, क्योंकि ये लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को एस्पेक्ट, मेन एस्पेक्ट और वी कैन से मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। भाई स्टूडेंट में बी एबल, शुड बी एबल टू लिसन विद गुड अंडरस्टैंडिंग। अगर उसे एक्सपर्ट बनना है तो स्टूडेंट इज एबल बनना चाहिए, शुड बी एबल टू लिसन द व्यूज, थॉट्स, आइडियाज ऑफ अदर पर्सन विद गुड अंडरस्टैंडिंग, तो वो एक्सपर्ट है। ही इज एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। स्टूडेंट शुड बी एक्सपर्ट इन स्पोकन इंग्लिश, उसे अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए। रीडिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए, राइटिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए। ये फोर एस्पेक्ट के साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। लेकिन विच मैटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, स्टूडेंट्स स्टडी ओनली द लिमिटेड मैटर। वो केवल लिमिटेड मैटर को ही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आने वाला है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये न हो करके उनका मेन ऑब्जेक्टिव बन जाता है टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स इन एग्जाम्स। इसलिए सब्जेक्ट के रूप में इसे पढ़ना हो गया फेल। इट शुड बी लर्न एज ए लैंग्वेज, इसे लैंग्वेज की तरह पढ़ना चाहिए। अब लैंग्वेज है तो फिर इसमें एक्सपर्ट होना ही चाहिए। आज हम अपनी बिल्कुल बेसिक क्लास शुरू कर रहे हैं कि आप इसे बिल्कुल बेस से समझें, और अगले कुछ दिनों तक ये बेसिक लैंग्वेज, बेसिक रूप में ही लैंग्वेज को सिखाया जाएगा, जो आपको एक इनर फीलिंग देगा और आप इसे एक लैंग्वेज के रूप में सीखेंगे
और आई होप यू मे बी वेरी एक्सपर्ट इन इंग्लिश। भाई सबसे पहले बात यह है कि ये लैंग्वेज बनी कैसे। भाई लैंग्वेज सबसे पहले कोई भी एनिमल है, बर्ड है, ह्यूमन बीइंग है, ये लैंग्वेज को सीखता कैसे। हम बच्चे की बात करें, बच्चा छोटे से होकर बड़ा जैसे होता जाता है वो लैंग्वेज को सीखता जाता है। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ही स्टार्ट्स टू स्पीक, ही स्टार्ट टू स्पीक ओनली विद वोकल कॉर्ड। वो साउंड निकालना शुरू करता है किसे, वोकल कॉर्ड से, ये वोकल कॉर्ड जिसे हम थ्रोट भी कह सकते हैं। वोकल कॉर्ड से साउंड क्रिएट्स होती हैं, उन साउंड्स को कहा जाता है वोवल्स। बच्चा कहां से पढ़ना शुरू करता है, वोवल से, वोकल कॉर्ड से, आ ई उई साउंड निकालना शुरू करता है। लैंग्वेज को स्पीक करने के लिए वी यूज लिप्स, आर टंग, टीथ रिज, पैलेट जिसे कहते हैं तलवा, द सॉफ्ट पैलेट दैट इज वेरी नियर टू आर थ्रॉट, एंड द हार्ड पैलेट दैट इज नियर टू आर टीथ रिज। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, टंग को भी कभी टिप ऑफ द टंग जो बाहरी हिस्सा है इसका यूज किया जाता है, कभी मिडल ऑफ द टंग का भी यूज किया जाता है कुछ वर्ड्स को, मतलब कुछ साउंड को क्रिएट करने के लिए। तो हमारे सारे माउथ पार्ट का यूज किया जाता है एक लैंग्वेज को बोलने के लिए। सबसे पहले सीखा जाता है किसे, बच्चा किसे सीखता है, वोकल कॉर्ड से साउंड क्रिएट करना। वोकल कॉर्ड से मतलब अ साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी फ्रैक्शन, विदाउट एनी फ्रिक्शन, बिना किसी फ्रिक्शन, बिना किसी घर्षण के, और जो आवाज निकलती है दैट इज कॉल्ड वोवल। केवल किससे आती है, कंठ से, वोकल कॉर्ड से। और ये वोवल साउंड्स ये भैया इंग्लिश लैंग्वेज में 20 होती हैं, किसी भी लैंग्वेज में। तो वोवल साउंड्स कितनी होती हैं, 20। हम और द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ, टीथ रेज, लिप्स, टंग, पैलेट, दैट प्रोड्यूस विद द फ्रिक्शन ऑफ द माउथ ऑर्गन्स, सच काइंड ऑफ साउंड्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं उन्हें, कॉन्सोनेंट साउंड्स, वोवल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स। वोवल जो कंठ से निकलती हैं और जो माउथ ऑर्गन के फ्रिक्शन से निकलती हैं, कभी जो है टंग हमारी टीथ रिज से टच करेगी, कभी पैलेट से टच करेगी, कभी जैसे बा पा, तो हम लिप्स से भी साउंड निकालते हैं, इन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। और ये होती हैं 24। बच्चा कहाँ सीखता है, वोवल साउंड से। फिर थोड़ा बड़ा होता है उसे सिखाते हैं, बोल बेटा पा पा, तो सीख जाता है, बोलना शुरू कर देता पापा। फिर वो एक्टिविटी को देखता है, समझता है कि पापा का मीनिंग ये है कि इस पार्टिकुलर पर्सन को पापा बोला है, बोलना है मुझे, तो वो धीरे धीरे ऐसे मम्मा पापा बोलना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले कहाँ सीखते हैं, साउंड से, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स। कितने होते हैं ये, 44 साउंड्स हो गए। साउंड्स कितने हो गए टोटल, 44। अब ये साउंड्स को लिखा नहीं जा सकता। देखो साउंड्स एनिमल्स भी करते हैं, निकालते हैं, बर्ड्स भी निकालते हैं, उनकी एक बहुत ही लिमिटेड साउंड्स होती हैं। अब हर कुत्ते की एक जैसी थोड़ी सी आवाज़ होती है, जैसे निकालता है, घुर्राता है, दो तीन तरह की साउंड्स निकाल लेता है।
बर्ड्स भी निकाल दिए, ये अपनी उस साउंड्स को और डेवलप नहीं कर पाए, ह्यूमन बीइंग ने डेवलप कर दिया, उसने एक लैंग्वेज बना ली और उनकी केवल साउंड्स ही रह गई, लैंग्वेज नहीं बनी। अब इन साउंड्स को लिखा नहीं जा सकता, इसलिए लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए लेटर्स तैयार किए गए। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स कितने होते हैं? केवल 26। साउंड्स कितनी होती हैं? 44। इसमें भी वॉवल्स केवल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं और जो होते हैं कितने? 21। साउंड्स 20 हैं वोवल साउंड्स, और यहाँ वोवल लेटर केवल 5 हैं। अब इन 5 से 20 साउंड्स निकाली जाती हैं। साउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, प्योर वोवल साउंड्स और ग्लाइडिंग वोवल साउंड्स। ग्लाइडिंग मतलब दो से मिलकर बनी है, जैसे आई ओई, ये क्या है? ग्लाइडिंग साउंड्स हैं। कभी एक दिन की पार्टिकुलर क्लास में इन्हें पढ़ेंगे हम सारी साउंड्स को और सीखेंगे। आपने देखा होगा कि वर्ड्स के प्रोनंसिएशन डिक्शनरी में मिलते हैं, वो एक सिंबल में मिलते हैं। आपने देखा होगा जैसे च लेटर मिलेगा, जैसे च लिखना, च के लिए लेटर मिलेगा, ये सिंबल जो प्रोनंसिएशन के लिए यूज़ किया जाता है वो होता है ये टी और इंटीग्रल। थ लेटर क्या यूज करते हैं? टी एच, टी एच, इसके लिए एक सिंबल होता है ये थीटा। अभी ये बाद में सीखेंगे, इससे आगे हम जो है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज सीख रहे हैं कि सबसे पहले साउंड्स के बाद लैंग्वेज को रिटन करने के लिए बनाए गए लेटर्स। भाई पहले साउंड से बनाए गए लेटर्स और साउंड से बना दिए गए लेटर्स, अब इसे ब्रैकेट में तो नहीं रख सकते, लेटर्स बनाए गए। लेटर के बाद नेक्स्ट आता है सिलेबल। भई ये सिलेबल क्या होता है? सिलेबल क्या होता है समझो इसे, अ साउंड दैट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द वोवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। एक यूनिक साउंड जो वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड से मिलकर के बनती है उसे कहते हैं सिलेबल। एक वर्ड में एक सिलेबल या एक सिलेबिक, वन सिलेबिक भी हो सकता है, डबल सिलेबिक, ट्रिपल सिलेबिक, वर्ड में एक या एक से ज्यादा सिलेबल्स हो सकते हैं। जैसे एक वर्ड लेते हैं डॉक्टर, डॉक एक सिलेबल है, टर दूसरा सिलेबल है। इस वर्ड में दो सिलेबल यूज किए गए, डॉक टर। डॉक एक साथ में बोला जाएगा, ड अ क ऐसे नहीं बोला जाएगा, क्या बोला? डॉक एक साथ टर। तो अ स्पेसिफिक या यूनिक साउंड दैट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट। इसमें दो कॉन्सोनेंट है और एक वोवल है, ये इसमें डबल सिलेबिक वर्ड है। जैसे चेयर, ये सिंगल सिलेबिक है, चेयर कहां रुका जा रहा है? डॉक्टर बोला जाएगा, दो है डॉक्टर। चेयर ऐसे नहीं बोला जाएगा, चेयर चेयर।
तो इसमें सी एच आर ये तो क्या है कॉन्सोनेंट, ए आई ये क्या है वॉवल्स। तो ये वर्ड सिंगल सिलेबिक है, इसे भी सिलेबल बोलेंगे, ये वर्ड है लेकिन इसमें टू सिलेबल्स हैं। सिलेबल से आगे बनता है वर्ड, वर्ड जैसे कि अभी बताया सिंगल सिलेबिक भी हो सकता है, डबल सिलेबिक भी, ट्रिपल सिलेबिक भी, मोर सिलेबिक भी। तो वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अस ए इमेज, अ मीनिंग, जो हमें एक मीनिंग देगा और एक इमेज भी क्रिएट करेगा। जैसे हमने बोला ये क्या है चेयर, इमेज बनेगी कि भाई इस तरीके की चेयर होती है। डॉक्टर तुरंत ही हमें एक पर्सन दिखाई देगा जिस वाइट ड्रेस पहन रखी है, एक इमेज बनेगी। अब ये मत कहना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी इमेज नहीं बनती। अब जैसे कहोगे आप हेट, हेट की क्या इमेज है, तो इसके हेट की इमेज नहीं लेकिन हेट का जो व्यू पॉइंट है, जो उसका आइडिया है कि भाई हेट कैसे की जाती है, मुंह इस तरीके से बना लेगा, या ब्यूटीफुल वर्ड है तो ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर है, तो उसकी भी इमेज तो हमारे दिमाग में बनेगी लेकिन उसका एक मीनिंग भी होता है। वर्ड के बाद वर्ड से मिलकर बनता है फ्रेज। फ्रेज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका एक सेंस होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है। फ्रेज में आंसर दिया जा सकता है, जैसे किसी ने पूछा वेयर इज योर ब्रदर, जिससे पूछा उसने आंसर दिया इन हिज रूम, ही इज इन हिज रूम, ये सेंटेंस हो गया इन हिज रूम, या एट द गेट, अंडर द ट्री, इस तरीके से जो यूज किए गए इनका सेंस तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता, उन्हें कहा जाता है क्या फ्रेज। फ्रेज से आगे बढ़ते हैं तो फ्रेज से आगे आता है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट हैज कंप्लीट सेंस बट इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज फ्री नहीं होता, हां ऐसा हो सकता है एक सेंटेंस में एक ही क्लॉज हो और एक सेंटेंस में टू और मोर देन टू क्लॉजेस भी हो सकते हैं। तो क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज ए कंप्लीट सेंस। क्लॉज का सेंस कंप्लीट होता है बट दैट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट इज सेंटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेस, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस, किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, दैट हैज कंप्लीट सेंस। अब क्लॉज और सेंटेंस को थोड़ा और समझ लेते हैं। और सेंटेंस से जब सेंटेंस हो गया, सेंटेंस से मिलकर के बन जाता है एक स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ बहुत सारे मिल जाते हैं तो भाई लेटर भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, और बहुत ज़्यादा होंगे एक नोबल भी बन जाएगा। अब हम यहाँ क्लॉज की बात करें, क्लॉज क्या होता है, अभी हमने जैसे पढ़ा क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज ए कंप्लीट सेंस। देखें यहां पर रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय बट His brother is dull.
रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय बट हिज ब्रदर इज डल, इट इज ए सेंटेंस बट इट कंटेन्स टू क्लॉजेस. रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इट इज अ क्लॉज. हिज ब्रदर इज डल, इट इज ऑल्सो अ क्लॉज. दिस सेंटेंस कंटेन टू क्लॉजेस. दिस सेंटेंस कंटेन्स टू क्लॉजेस. अब भाई ये भी क्लॉज है वो भी क्लॉज है, अब क्लॉज को क्लासीफाई करते हैं. तो रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसका अपने आप में कंप्लीट सेंस है. सच काइंड ऑफ क्लॉज इज कॉल्ड मेन क्लॉज. हिज ब्रदर इज डल, इसका भी कंप्लीट सेंस है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए मेन क्लॉज. अब इस सेंटेंस में दोनों ही क्लॉज कैसे हैं, मेन क्लॉज है. लेकिन द मेन क्लॉज विच इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एनी कनेक्टिव. अगर कोई कनेक्टिव से कोई क्लॉज जुड़ा हुआ है, सच मेन क्लॉज इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज. कौन सा क्लॉज? कोऑर्डिनेट क्लॉज. और ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो क्लॉजेज हैं दोनों फ्री हैं, तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस. क्लॉज हम सीख रहे थे, मेन क्लॉज होता है, और जो मेन क्लॉज जो किसी कंजक्शन से कनेक्टिव से ऐड है उसे और क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज. एक ऐसे सेंटेंस भी हैं जिनमें क्लॉज जो है मेन, सारे क्लॉज मेन नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय हु इज फ्लाइंग द ग्रीन काइट. इन दिस सेंटेंस आई नो द बॉय, इट इज ए क्लॉज. हु इज फ्लाइंग द ग्रीन काइट, इट इज ऑल्सो ए क्लॉज. दोनों ही क्लॉजेज हैं. आई नो द बॉय, इस क्लॉज ये क्लॉज इसका कंप्लीट सेंस है, इट इज अ मेन क्लॉज. बट हियर हु इज फ्लाइंग द ग्रीन काइट, जो कि एक ग्रीन काइट को उड़ा रहा है, जो कि एक ग्रीन काइट को उड़ा रहा है, तो हु इज फ्लाइंग द ग्रीन काइट, ये क्लॉज इस बॉय का एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है किसको, बॉय को. तो ये क्लॉज मेन क्लॉज नहीं हो सकता, ये मेन क्लॉज का ही एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. कैसा है? सबऑर्डिनेट, उसकी हेल्प करने वाला. देयरफोर इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो मेनली क्लॉजेस कैन बी डिवाइडेड एज ए मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. बट वी कैन से सच काइंड ऑफ मेन क्लॉजेज विच आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉजेज. अब जिसमें एक मेन क्लॉज है दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस.
अब क्लॉज के बाद में हमने पढ़े सेंटेंसेस, सेंटेंसेस भी क्लॉजेस के आधार पर तीन तरह के हो गए, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स। और फर्स्ट होते हैं सिंपल, सिंपल सेंटेंसेस, दोज सेंटेंसेस विच हैव ओनली वन क्लॉज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस के कुछ पार्ट हैं जिन्हें और समझ लेना चाहिए। अब सिंपल सेंटेंस मोहित इज लर्निंग म्यूजिक, मोहित इज लर्निंग म्यूजिक। अब इट इज सिंपल सेंटेंस बिकॉज इट हैज ओनली वन क्लॉज, ये सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट है। क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर के बनाते हैं क्लॉज। इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है, देयरफॉर इट इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, अ पर्सन और अ नाउन प्रोनाउन अबाउट विच एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, द गिवन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और इससे पहले एक होता है वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट। अब इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।